बॉलीवुड के दादा कहे जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर की शुरुआत में ही शादी कर ली थी। बात उन दिनों की है जब मिथुन दा का एक्ट्रेस सारिका से ब्रेकअप हुआ था। उन्हें सहारे की तलाश थी, तभी उनकी मुलाकात हुई विदेशी मॉडल, फैशन डिजाइनर और एक्ट्रेस हेलेना ल्यूक से। पहली मुलाकात में ही उनका दिल हेलेना पर आ गया। 70 के दशक में हेलेना ल्यूक फैशन की दुनिया का जाना माना नाम हुआ करती थी। वैसे कम ही लोगों ने उनका नाम सुना होगा, लेकिन उन्होंने कई फिल्मों में बतौर सपोर्टिंग एक्टर काम भी किया था। आओ प्यार करें, दो गुलाब, साथ साथ और जुदाई जैसी कुछ फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए थे। हेलेना का भी जावेद खान से ब्रेकअप हुआ था। सहारे की तलाश दोनों को थी, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती कुछ ज्यादा ही बेताब थे। स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में हेलेना ने बताया था कि मिथुन सुबह 6 बजे से लेकर रात में सोने तक बस उन्हें शादी के लिए ही मनाया करते थे। वो उनसे रोज मिलते और शादी की ही रट लगाए रहते। मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा और आखिरकार हेलेना भी उन्हें दिल दे बैठी। साल 1979 में मिथुन चक्रवर्ती और हेलेना ल्यूक ने शादी कर ली, लेकिन शादी का अंजाम वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा जैसा दोनों ने सोचा था। अफसोस, दोनों की शादी महज 4 महीने ही चल सकी। दोनों का तलाक हुआ, ये बात तो सबको पता है, लेकिन दोनों के तलाक की वजह कम ही लोगों को पता होगी। असल में दोनों ने बिना किसी को बताए एकदम चुपचाप शादी की थी। शादी के कुछ ही दिन बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए थे। हेलेना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मिथुन जिस घर में रहा करते थे उसमें उनके 2 कजिन्स भी रहा करते थे। दोनों ही कजिन्स कोई काम नहीं करते थे और मिथुन के पैसों पर ऐश करते थे। हेलेना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। एक दिन उन्होंने मिथुन से बोल ही दिया कि वो अपने कजिन से यहाँ से जाने को कहें, लेकिन मिथुन का जवाब सुनकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। मिथुन ने उनसे कहा कि उनके कजिन कहीं नहीं जाएंगे, हाँ अगर उन्हें दिक्कत है तो वो यहाँ से जा सकती हैं। ये सुनकर हेलेना का दिल टूट गया। यहीं से दोनों के रिश्तों में दरार आने लगी। मिथुन से शादी से पहले तक हेलेना का उस दौर के सपोर्टिंग एक्टर जावेद खान से अफेयर था, लेकिन शादी के बाद उन्होंने जावेद से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। इसके बावजूद मिथुन अक्सर उन्हें ताने दिया करते और कहते कि वो अब भी जावेद से मिलती हैं। शादीशुदा होते हुए भी मिथुन की योगिता बाली से अफेयर की खबरें देख हेलेना ने तय कर लिया कि उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है, और शादी के 4 महीने बाद ही मिथुन और हेलेना का तलाक हो गया। तलाक के बाद हेलेना ल्यूक ने एक इंटरव्यू में मिथुन चक्रवर्ती को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए थे। उन्होंने अपने शादी को बुरा सपना बताया और कहा कि काश ये शादी हुई ही ना होती। हेलेना की माने तो मिथुन ने उनका ब्रेन वॉश किया था। उन्होंने उन्हें यकीन दिलाया था कि वो उनके लिए ही बने हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हेलेना ने कहा कि अगर मिथुन दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी हुए तो उनके पास लौट कर नहीं जाएंगी। तलाक के बाद मिथुन ने हेलेना को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। तलाक के बाद हेलेना ने फिल्मों में पैर जमाने की काफी कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। आखिरकार वो अमेरिका लौट गईं और वहाँ की डेल्टा एयरलाइंस में बतौर फ्लाइट अटेंडेंट काम करने लगी थीं। पहली पत्नी से तलाक के बाद मिथुन अपने करियर में बिजी हो गए। मिथुन ने दूसरी शादी योगिता बाली से की थी। बात उन दिनों की है जब योगिता बाली मशहूर अदाकारा हुआ करती थीं। योगिता बाली पाली हिल में रहा करती थीं। एक लड़का हर रोज पाली हिल की एक दुकान पर खड़ा हुआ करता। इत्तेफाकन योगिता बाली भी उसी वक्त अपनी फिएट कार से उस दुकान के सामने से गुजरा करती थी। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उनका ध्यान गया तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। एक दिन उन्होंने तय कर लिया कि वो उस लड़के की शिकायत पुलिस में करेंगी। हालांकि वो ऐसा कुछ करती इससे पहले ही उस लड़के ने वहाँ खड़े होना बंद कर दिया। इस बात को 4 साल गुजर गए, योगिता भी इस बात को भूल चुकी थी। एक दिन फिल्मी पार्टी में उन्हें वही लड़का दिख गया। वो उसे फौरन पहचान गई। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मिथुन चक्रवर्ती थे। यहीं से दोनों में दोस्ती हुई, जो वक्त के साथ इतनी गहरी हो गई कि मोहब्बत में तब्दील हो गई। हालांकि योगिता बाली तलाकशुदा थीं। साल 1976 में महज 24 साल की उम्र में उन्होंने खुद से 2 गुने उम्र के किशोर कुमार से शादी रचा ली थी। हालांकि योगिता बाली के घर वाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे। शादी के बाद से ही दोनों के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए थे। शादी के 3 साल बाद ही दोनों का तलाक भी हो गया था। मिथुन और योगिता एक साथ कई फिल्मों में काम भी कर रहे थे। एक बार दोनों एक फिल्म की शूटिंग के लिए ऊटी गए। दोनों को ऊटी खूब पसंद आई।
तब मिथुन ने योगिता से कहा था कि हम भी शादी के बाद अपना घर यहीं बनाएंगे। साल 1979 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि योगिता मिथुन के घर वालों को पसंद नहीं थी। उन्हें यकीन नहीं था कि एक एक्ट्रेस उनकी घर की अच्छी बहू बन सकती है। योगिता और मिथुन का अफेयर तभी शुरू हो गया था जब योगिता किशोर से शादीशुदा थीं। लेकिन जब किशोर कुमार को पता चला कि दोनों का अफेयर चल रहा है तो वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने आगे किसी भी फिल्म में मिथुन के लिए गाने से साफ इनकार कर दिया। योगिता बाली से शादी के बाद भी मिथुन चक्रवर्ती के अफेयर के किस्से बंद नहीं हुए। उनका नाम कई हीरोइंस के साथ जुड़ा, लेकिन इनमें सबसे चर्चा में आया श्रीदेवी से अफेयर। साल 1984 में आई फिल्म जाग उठा इंसान में मिथुन पहली बार श्रीदेवी के साथ पर्दे पर नजर आए थे। इसी दौरान दोनों के अफेयर की खबरें आने लगी थी। खबरों की माने तो दोनों ने शादी भी कर ली थी। जब ये खबर उनकी पत्नी योगिता तक पहुंची तो उन्होंने अपनी जान तक देने की कोशिश की थी। इसके बाद मिथुन ने श्रीदेवी से रिश्ता तोड़ लिया और योगिता के पास वापस लौट आए। लेकिन योगिता ने एक इंटरव्यू में ये कहकर सनसनी मचा दी थी कि अगर मिथुन किसी भी महिला से शादी करेंगे तो वो उस शादी को एक्सेप्ट करेंगी। वो अपने पति और अपने खुद की खुशी के लिए ऐसा करेंगी। मिथुन के अफेयर के चाहे जितने चर्चे रहे हो, वो और योगिता बाली आज भी साथ साथ हैं। आपको मिथुन की जोड़ी किसके साथ सबसे अच्छी लगती है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।